अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय के हिसाब से आज रात 8:30 बजे पीएम मोदी इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के लोगों की नजर होगी। बता दें कि अमेरिका भारत कारोबार परिषद USIBC सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। सम्मेलन की थीम बेहतर भविष्य का निर्माण है। सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COVID-19 के बाद की दुनिया के प्रमुख भागीदार व अगुआ के रूप में अमेरिका और भारत को लेकर दुनिया भर के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। बताते चलें कि अमेरिका और भारत की मुख्य भागीदारी वाला ये 2 दिनों का शिखर सम्मेलन है, जिसे डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। USIBC ने बताया है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत सरकार और अमेरिका की सरकार के शीर्ष अधिकारी एक साथ आएंगे, जो महामारी के बाद उभरने की रूपरेखा पर काम कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में शीर्ष अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इन कार्यकारियों में USIBC के 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्तकर्ता लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जिस टेस्लेट और टाटा संघ के चेयरमैन एन चंद्रशेखर शामिल हैं। इस साल के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वालों में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोपियो, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के उप मंत्री एरिक हैगन, वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर, कैलिफोर्निया के अमेरिकी प्रतिनिधि एमी बेरा, राजदूत कैनेट जस्टर और कई अन्य शामिल हैं। USIBC ने कहा है कि USIBC अमेरिका भारत साझेदारी को बढ़ाने के लिए 45 साल के काम का जश्न मना रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी COVID-19 के स्वास्थ्य प्रभाव और संबंधित वैश्विक आर्थिक व्यवधान की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने आर्थिक नवीनीकरण और समावेशी अवसर के एक युग की शुरुआत करने में भारत व अमेरिका की भागीदारी के महत्व को स्पष्ट किया है। USIBC के अध्यक्ष निशा बिस्वाल ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार अमेरिकी प्रशासन के साथ जुड़ाव के माध्यम से अमेरिकी भारत के संबंध को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो देखते हैं आज के इस सम्मेलन में क्या कुछ और खास होता है। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बन रही है ओंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।